और इस वक्त बड़ी खबर जान लीजिए आप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार आज होना है और उससे पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर हलचल जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज नजर बनाए हुए है। और इस सबके बीच सबसे बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रहे। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे हालात को संभालने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका रहनी चाहिए थी, उस मोर्चे पर फ्लॉप साबित हुए स्वास्थ्य मंत्री, उनकी छुट्टी होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से। और इस सबके बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, खबर कंफर्म हो रही है क्या, डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी आ रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी इस्तीफा हो गया है। थोड़ी देर में उसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी, थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी भी आ जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हो चुका है। दोनों नेताओं का इस्तीफा हो चुका है, दोनों मंत्रिमंडल से इस्तीफा भेज चुके हैं। थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, लेकिन हमारी जो जानकारी है, ये पक्की जानकारी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संजय धोत्रे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, इन दोनों लोगों का भी इस्तीफा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे। बड़ी खबर देते हुए पुख्ता खबर ये सामने निकल कर आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।